नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं थिंक क्रिएटिव। आज हम लोग बनाने वाले हैं एक एम्पलीफायर स्पीकर जो मैंने घर पे बनाया है और बहुत इजी तरीका से बनाया है। और ये देखिए, हेडफोन जैक की मदद से हम लोग इसको फ़ोन पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसका मेकिंग प्रोसेस देख लेते हैं। तो ये कुछ पीसेस मैंने कट कर लिए हैं कार्डबोर्ड के, ये आप लोग देखिए। और दो पीसेस, एक है स्क्वायर टाइप का जो है 6.5 सेंटीमीटर का, चारों का जो सेम है चारों तरफ का साइड। और ये राउंड कट कर लिया मैंने 5 सेंटीमीटर डाया का। और ये साइड पीसेस है, ये 6.5 सेंटीमीटर लंबा है और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये एक स्पीकर है जो मुझे 20 रुपये में पड़ा है लोकल मार्केट से, या आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। इसका जो राउंड है वही 5 सेंटीमीटर डाया का है, इसलिए मैंने 5 सेंटीमीटर का होल किया है। और यहाँ चारों साइड मैंने एक होल कर दिया है ताकि स्क्रू की मदद से इसको स्पीकर को यहाँ पर फिक्स कर सकें। ये देखिए, चारों नट एंड बोल्ट की मदद से हम लोग इसको फिक्स कर देंगे यहाँ पर। इसका भी जो डिज़ाइन है वो बहुत कॉम्पैक्ट मैंने डिज़ाइन करने की कोशिश की है। आप कुछ और डिज़ाइन भी कर सकते हैं, मैंने इसको स्क्वायर डिज़ाइन किया है। आप इसको रेक्टेंगल या और कुछ आपकी मर्ज़ी, बस आप प्रोसेस देख लीजिए कि कैसे मैंने बनाया है इसको। देखिए, चारों स्क्रू टाइट हो चुके हैं और ये स्पीकर फिक्स हो चुका है। अब आते हैं दूसरे कॉम्पोनेंट्स पर। तो ये एक सॉकेट 5 वोल्ट मिनी यूएसबी सॉकेट है जो मुझे 5 रुपये में पड़ा है। इसी से हम लोग अपने जो है स्पीकर को चार्ज करेंगे। और ये मैंने सोल्डरिंग कर लिया है पहले से ही, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वायर का। ये एक स्लाइडिंग स्विच है, ये भी मुझे 5 रुपये में पड़ा है और इसको भी मैंने सोल्डरिंग कर लिया है टू वायर से। और ये दो होल कर दिए हैं, एक सॉकेट के लिए और एक स्विच के लिए। और ये सॉकेट जो है ये राउंड होल में फिक्स हो जाएगा। इसका जो वाइट कवर है वो आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन फिक्स करने में आसानी होता है अगर आप कवर ना निकाले तो। और जो स्विच है, स्विच को भी हम लोग कोई ग्लू से या और कुछ से फिक्स नहीं करेंगे, इसको भी हम लोग स्क्रू की मदद से फिक्स करेंगे ताकि जो है टाइटली फिट हो जाए। और बाद में रिमूव अगर करने का मौका आया तो कर सकते हैं। ये देखिए, स्क्रू की मदद से मैंने इसको फिक्स किया। तो ये पार्ट हो चुका है रेडी। अब आते हैं मेन कंपोनेंट में। ये है एक 5 वोल्ट एम्पलीफायर सर्किट जो मुझे 50 रुपये में पड़ा है। ये देखिए, यहाँ पर ग्राउंड लेफ्ट एंड राइट एंड पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई एंड टू चैनल्स स्पीकर, यहाँ से आउटपुट निकल सकता है। ये सर्किट बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही अच्छा है। इसको मैंने लोकल मार्केट से ही परचेस किया है। तब इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ जो देख सकते हैं आप, मार्किंग यहाँ किया हुआ है, मार्किंग यहाँ पूरा तरीका से ही किया हुआ है, आपको कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। या देखिए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव मैंने सोल्डिंग कर दिया है। यहाँ मैंने एक पुराना हेडफोन का जैक जो है वो कट कर लिया है और यहाँ पर से दो वायर निकले हुए हैं। यहाँ पर एक है रेड एंड एक येलो टाइप का है। तो दोनों को पहले जो है उसके ऊपर जो इंसुलेशन है वो हटा लीजिए। और यहाँ देखिए, ग्राउंड राइट एंड लेफ्ट है, तो आप दोनों वायर में से जो येलो वाला है वो आप ग्राउंड में जो है सोल्डरिंग कर दीजिए, और जो बाकी जो बचा रेड वो आप लेफ्ट या राइट दोनों में से किसी एक में आप सोल्डरिंग कर सकते हैं। मैंने देखिए लेफ्ट में किया है। और ये स्पीकर का जो आउटपुट था वो भी मैंने सोल्डरिंग कर लिया है। तो बाकी सोल्डरिंग हम लोगों का जो है कंप्लीट हो चुका है। अब ये बैटरी जो है, मैंने नोकिया मोबाइल का बैटरी यूज़ किया है जो बहुत ही अच्छा बैकअप देने वाला है हम लोगों को। 3.7 वोल्ट का बैटरी है ये, और ये मेरे पास पड़ा हुआ था इसीलिए मैंने यूज़ किया। आप कुछ और बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी जो पीसेस है वो हम लोग पहले अटैच कर लेंगे। ये जो पार्ट हम लोगों ने रेडी किया था वो पहले चिपका लेंगे, फिर आएंगे हम लोग कनेक्शंस पर। वो कनेक्शन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो स्विच का जो एक पहला वायर है वो हम लोग बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्शन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर आपको बनाना हो तो आप कनेक्शन स्किप मत कीजिए। और जो सर्किट का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो भी हम लोग स्विच के जो दूसरा वायर है उससे कनेक्ट कर लेंगे ताकि स्विच से हम लोग का ऑन ऑफ हो सके। और सॉकेट का जो पॉजिटिव वायर है वो हम लोग बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि चार्ज हो सके हमारी बैटरी। और दोस्तों, मैंने अगले वीडियो में भी कहा था कि जितने ब्लैक वायर्स रहते हैं उन लोगों को मिलाकर कनेक्ट कर दीजिए, ये लोग एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते हैं।
और बाकी जो ये स्पीकर का, स्पीकर का कोई पॉजिटिव एंड नेगेटिव नहीं रहता, आप कोई भी किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं दोनों का। ये देखिए दोनों जो स्पीकर का वायर है वो कनेक्ट हो चुका है। अभी इसको मैं इंसुलेट कर दूंगा सेलो टेप की मदद से। ये देखिए इंसुलेट हो चुका है और ये जो सर्किट है वो मैंने एक जगह पर चिपका दिया है ताकि हिले नहीं, और बाकी जो पीसेस है वो भी अब चिपका देंगे, इसको कवर कर देंगे जल्दी जल्दी से, ये सब कर लेते हैं। और यार ये देखिए यहाँ पर मैंने खोल किया इस वायर को निकलने के लिए, और यहाँ पर एक मैंने गांठ मार दिया था ताकि ये जो वायर है वो खींचने पर निकले ना, और इसको भी हम लोग यहाँ पर चिपका देंगे। तो और जो वायर है वो भी अच्छे से तरीके से यहाँ से निकली हुई है, देख सकते हैं आप लोग। और बाकी जो पीछे की तरफ साइड पर जो एक पीस बचेगा वो भी हम लोग जल्दी से चिपका लेंगे। ये देखिए ये भी मैंने कट कर कर रखा था। तो हमारी जो स्पीकर है वो रेडी हो चुकी है, और इसको मैंने ब्लैक कलर कर दिया है ताकि देखने में जो अच्छा लगे। अब देखिए थोड़ा सा गाना बजा कर भी देख लेते हैं। अभी साउंड थोड़ा सा कम है और ये स्विच मैंने ऑन कर दिया है। अब जो है वॉल्यूम में बढ़ा कर देखता हूँ कितना वॉल्यूम इसका होता है। ये देखिए दोस्तों बज रहा है हम लोगों का स्पीकर। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो पर।